वो राजनीतिक दल में भी इसके कुछ स्वयंसेवक है आजकल प्रसिद्ध हो गए, वो फिर खबरें छपती है कि संख्या सरसठ से अलग आए हैं और चुनाव के लिए स्वयंसेवकों की नब्ज कट हो गई। मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूं, मनुष्यों की नब्ज नहीं कट होगा, सिखा नहीं, लेकिन ऐसे अनुमान है, अनुमान के जगह प्रत्यक्ष है, अंदर आकर देखना जो है वो दिख जाएगा, समझ जाएगा। अंदर आकर देखने के लिए भी थोड़ा सा भरोसा चाहिए कि गलत जगह अंदर नहीं जाए, तो बाहर आना मुश्किल हो जाए। इसलिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूं स्वयं सेवकों के पुनर्स्मरण के लिए और बाकी लोगों के जानने के लिए। अभी हमने गीत सुना, विश्व को जिन बातों की आज आवश्यकता है उन बातों को विश्व को दे सकने वाला दुनिया में एकमात्र देश है भारतवर्ष। क्योंकि विश्व के पास बाकी सब कुछ है, लेकिन जिससे सुख मिले, समाधान मिले, संतोष हो, वो बात नहीं। और जो बाकी सब कुछ है वो हमको न बिगाड़े, इसके लिए जो डिफेंस चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो बाकी लोगों के पास नहीं है। मनुष्य सुखी हो, संतोष समाधान से जीवन काटे, दुनिया के कलह बंद हो, सर्वत्र शांति रहे, सर्वत्र समाधान रहे, और सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य का सदाचार सद्भाव बना रहे, इस इच्छा से गत 2000 वर्षों में सब प्रकार के प्रयोग दुनिया ने करके देखे। जड़वाद के आधार पर भी किए, अस्तित्ववाद के आधार पर भी किए, भगवान को मानकर भी किए, भगवान को न मानते हुए भी किए, समाजवादी दृष्टिकोण से भी किए, पूंजीवादी दृष्टिकोण से भी किए, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से भी किए, समूहवादी दृष्टिकोण से भी किए, लेकिन सब आजमाने के बाद फल क्या मिलता है? तो इन सबको ही आवश्यकता होती है, संगत क्या कर रहा है तो देख रहे, लेकिन क्यों कर रहा है ये जानना, हमको करना क्या है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो फिर अपने अनुमान से अलग अलग अर्थ लोग निकालेंगे। एक लामा जी खड़े थे हिमालय के एक छोटे से किले में, घर पर वहां से दूर देख रहे, आसपास के गांव से आने जाने वाले लोग लामा जी को देख रहे और अनुमान लगा रहे कि लामा जी उधर क्यों देख रहे। तो किसी ने कहा कि वहां से वो सीनरी अच्छी दिखती होगी, दूसरे ने कहा कि लामा जी को सीनरी का नहीं पता है क्या, वो ऐसे कितने ही शिखरों पर चढ़े और देख रहे, वो तो दूर से किसी को देख रहे होंगे, कुछ चल रहा होगा दूर तो वो देख रहे होंगे। किसने कहा कि वहां क्या चल रहा है, कोई चल के आता होगा उसकी प्रतीक्षा कर रहे, वो दूर से निहार रहे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर एक ने पूछ ही लिया लामा जी, लामा जी वहां खड़े होके आप क्या देख रहे, उन्हें जो दिख रहा है वो देख रहा है, उन्हें क्यों देख रहे, नहीं ऐसे मन हुआ, मन हुआ इसलिए चल गया, देखने का मन हुआ इसलिए देख रहा, कोई कारण नहीं। लेकिन वास्तव में लामा जी यही कर रहे, उनका मन हुआ इसलिए उसको रोक देखो देखा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।